भारत धर्म संस्कृति के मामले में एक समृद्ध देश है। उत्तर हो या दक्षिण, यहाँ के लोगों में अपने इष्ट देव के लिए श्रद्धा भरपूर होती है। खासकर हिंदू धर्म में धार्मिक गतिविधियों के विभिन्न रूप ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ साल के पूरे महीने तीज त्योहारों से भरे रहते हैं। आज हम आपको दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के एक ऐसे खास त्यौहार है जो सुख शांति के अलावा बीमारियों से बचने के लिए मनाया जाता है। इस खास उत्सव का नाम है बोनालू, जिसमें महाकाली के पूजा की जाती है। लेकिन पूजा की प्रक्रिया और रीति रिवाज किसी को भी हैरान कर देंगे। जानिए इस त्यौहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आषाढ़ के महीने में बोनालू पर्व मनाया जाता है। पूरे महीने मनाया जाने वाले इस पर्व में प्रत्येक रविवार को माता के प्रमुख मंदिर तक महाकाली का मेला लगता है। पहले रविवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित ऐतिहासिक गोलकुंडा दुर्ग के प्राचीन जगदम्बिका मंदिर में प्रार्थना की जाती है। दूसरे रविवार को ऐसे ही उत्सव सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर और बलकमपेट के यल्लम्मा मंदिर में होता है। तीसरे रविवार को पोचम्मा मंदिर, कट्टमैसम्मा मंदिर और पुराने शहर की चारमीनार के लाल दरवाज़ा मंदिर पर, और चौथे रविवार को इन सभी मंदिरों तक यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा विविध रंगों से भरपूर होती है, जिसमें सैकड़ों महिलाएँ रेशम के रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर मिट्टी के घड़े, जिसे बोनालू कहा जाता है, उसको अपने सिर पर रखकर ले जाती है और काली माता को अर्पित करती हैं। बोनम में दही, गुड़ और चावल का मिश्रण होता है। घड़ों को नीम की पत्तियों, हल्दी और सिंदूर से सजाया जाता है। इनके ऊपर दीप जलाकर रखा जाता है। बोनम के साथ देवी माँ को साड़ी और चूड़ियाँ भी चढ़ाई जाती है। श्रद्धालु देवी माँ को धन्यवाद करते हुए उनसे अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी वर्षा, अच्छी फसल, प्राकृतिक आपदा से रक्षा आदि की प्रार्थना करते हैं। इन महिलाओं के साथ पोतराजू बनकर पुरुष भी होते हैं, जो कसे हुए कपड़े, हल्दी से रंगी छोटी धोती, मालाएं और पैरों में घुंघरू पहनते हैं। पोतराजू देवी माँ के भाई माने जाते हैं, जिनकी धर्मरक्षक की तरह पूजा होती है। वे ढोल की ताल पर नृत्य करते हैं और नाटकीय रूप में स्वयं पर चाबुक से वार करते हैं। विशेष गीत और नृत्य इस यात्रा में अद्भुत उत्साह और ऊर्जा भर देते हैं। इस बोनालू यात्रा की समाप्ति सजे धजे मंदिरों पर होती है। श्रद्धालु मंदिर में कागज से बनी और बांस पर आधारित एक आकृति भी चढ़ाते हैं, जिसे तोटेलू कहा जाता है। इस त्यौहार के शुरू होने के पीछे एक दर्दनाक घटना जुड़ी है। माना जाता है कि 1813 में भारत के दो बड़े जुड़वा राज्य हैदराबाद और सिकंदराबाद में कलरा बीमारी का बड़ा प्रकोप फैला था, जिससे कई मौत हुई थी। कहा जाता है कि हालात से बचाव के लिए शहर की आर्मी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाली के मंदिर में पूजा की थी और यह मन्नत मांगी कि अगर बीमारी की समस्या पूरी तरह टल जाती है तो वे शहर में माँ काली का मूर्ति स्थापन करेंगे। माना जाता है पूजा के बाद धीरे धीरे शहर से कलरा बीमारी का संक्रमण कम होने लगा था, जिसके बाद आर्मी जवानों ने यहाँ माँ काली की मूर्ति स्थापित की थी। तब से लेकर अब तक निरंतर प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में यह उत्सव मनाया जाता है। यह पूरा त्यौहार महाकाली को समर्पित है। बोनालू उत्सव राज्य के अलग अलग जगह विशेष आयोजन के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार से यह भी कहानी जुड़ी है कि आषाढ़ माह के दौरान महाकाली अपने मायके चली जाती है। इस त्यौहार के दौरान महाकाली से अच्छी सेहत और घर की सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। बोनालू उत्सव के दौरान रंगम नाम की खास धार्मिक प्रक्रिया भी जगह लेती है, जिसके अंतर्गत एक महिला मिट्टी के बने
किसी बड़े घड़े पर कड़ी होती है। माना जाता है उस महिला के अंदर साक्षात महाकाली आ जाती है, जो लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताती है। माँ काली के रूप में महिला लोगों के साथ एक साल में क्या क्या घटने वाला है उसके बारे में बताती है। यह धार्मिक प्रक्रिया शोभा यात्रा से पहले की जाती है। समूचे तेलंगाना राज्य में लंबे समय तक मनाया जाने वाले इस उत्सव का विस्तार आषाढ़ से श्रावण मास तक होता है। ग्रामीणों के द्वारा ग्राम देवता के नाम पर मनाया जाने वाला इस उत्सव बोनालो के नाम से लोकप्रिय है। इसका विस्तार और इसकी लोकप्रियता प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य के घटने के बाद राज्य सरकार विशेष तौर पर स्थानीय पर्व, लोकगीत, लोक नृत्य आदि को बढ़ावा दे रही है, जिससे यहाँ की स्थानीय संस्कृति को विशेष पहचान मिल सके। बोनालो पर्व को तेलंगाना सरकार ने राज्य त्योहार यानी स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया है। जय महाकाली।